ग्राम सभा नारी पारी हरिजन बस्ती बारिश के चलते हो रहे बेघर, शासन प्रशासन मौन। नारी बारी रीवा राजमार्ग चौकी के बगल हरिजन बस्ती है, जो कि बारिश के चलते बहुत से घर बेघर हो गए। शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही। लोगों का कहना है कि अभी तक कॉलोनी भी नहीं मिल पाई है। कॉलोनी से वंचित लोगों की सूची माया देवी, पति राहुल बाबा दीन, पति जागेश्वर अजय, पिता झल्लर बड़े लाल, पिता शोभा लाल, सविता, पति राजभवन हिरनी, पति बाबा दीन सुनील, पिता बंसल लाल, रेखा, पति पवन कृष्ण कुमार, पिता परमधारी प्रतिमा, पति विजय रमेश, पत्नी अनीता देवी आंचल, पति मुकेश श्रीनाथ, पिता मंगली निशा, पति राम शांति देवी, पति राम जतन कुसुम कली, पति छेदी लाल इत्यादि लोग कॉलोनी से वंचित हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन हमारी मदद करे, मौके पर आकर तत्कालीन जो मदद चाहिए वह हमारी मदद करे। मौके पर क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी प्रतिनिधि विकास चंद्र शुक्ला उर्फ बबलू शुक्ला जी ने पहुंचकर लोगों का दुख साझा किया और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और बोले, आपकी हर आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाना ही मेरा कर्तव्य है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए शैलेश कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। ये क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। और आगे आइए, पिताजी का नाम क्या है? परमधारी। आपको कॉलोनी नहीं मिली है? कॉलोनी मिली नहीं बहुत पहले, सब हुआ है, बेकार है, जर जर। अभी जो नई कॉलोनी दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, उसमें अभी आपको कॉलोनी नहीं मिली। ये देखिए इनका घर है, ये कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। बरसात हो ही रही है और गिरा भी है ये, अगर एक दो पानी और पड़ेगा इसमें तो ये गिर भी जाएगा। ये देखिए पूरा इनका हाल बेहाल है, सब लोगों का, गरीब लोगों का। अंदर भी है, इधर अंदर है तो अंदर मत, पानी मत चुआ लाइट ना, घर भरा है पानी पूरा। यहाँ पे देखिए इनका जो है खपड़ा वपड़ा छा के रह रहे हैं, ये इनका सब पूरा गिरा हुआ है। ये पन्नी उन्नी लगा के सब तिरपाल ताना गया है, यहाँ पे कॉलोनी नहीं मिल रही है, लोगों को परेशान है। ये देखिए यहाँ पे सब बुरा हाल है इनका। ये देखिए इनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है, ये सब पूरा एकदम गिरा हुआ है। बरसात के मौसम में पूरा पानी भर जाता है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? अजय। अजय, पिताजी का नाम क्या है? श्याम सुंदर। अभी तक आपको कॉलोनी नहीं मिली है? हमको, हमारे शादी का 8 साल हो गया, कॉलोनी हमको नहीं मिली। तो प्रधान जी से आप लोगों ने कुछ कहा कॉलोनी? बहुत गए कि आप फार्म भी हम भर दिए हैं। अच्छा। हाँ, फार्म भी भर दिए हैं लेकिन हमको मिला नहीं है। अभी तक कोई कॉलोनी नहीं मिली? मतलब ये आपका यही पूरा जर्जर ये मकान है और यहाँ पे कोई जो कोई सुनवाई नहीं, अधिकारियों ना कोई देख रहा है, ये सब गरीब परेशान है पूरा। अब ये किससे कहें गरीब, ये जाके पूरा ये कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, खाना पीना कैसे बना रहे हैं? ये चूल्हा भी यहीं पर है, बताइए इनका ये सब चूल्हा उल्हा यहीं पे, सब खाना पीना का सब यहीं पे। कब ये गिर जाए इनके ऊपर, कब गिर जाए, कब क्या हो जाए, कब कोई भी इनको देखने सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये गरीब है, गरीब को कोई आज देख नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ भी पूरा इनका सब जर्जर है, यहीं पे खाना पीना बनता है, पूरा पानी यहीं पे गिर रहा है और कोई भी ना तो कॉलोनी मिली है ना तो कोई इनको सुविधाएं मिली है कि इनकी कुछ सुविधा हो जाए। पानी बरसता है तो सब लोग, आप लोगों को अभी तक कॉलोनी नहीं मिली है? कॉलोनी गाड़ी लड़कन बच्चन का नहीं मिल रही है, पुराना में है, सारी सारी मतलब मिली रही है 8,000 के, यह ठोक लगाए हैं भैया। देख ले ये भी देख ले अंदर के, ये मैं इनके पूरा अंदर तक जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कुछ भी इनका कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए बल्ली लगा लगा के बेचारे छत को सही किए हैं, कब ये बल्ली से कब छत गिर जाए, कब बेचारे दब जाए। गरीब आदमी है कोई भी ना तो इनको कोई सुनने के लिए अधिकारी तैयार है ना तो कोई, गरीब है इसलिए उनको कोई तैयार भी नहीं सुनने के लिए। पूरा देखिए एक ही जगह पे पूरा पानी गिर रहा है, पूरा एकदम से बारिश से परेशान है सब। और मैं यही सरकार से, यही जो यहाँ के अधिकारी हैं प्रधान हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि इनको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ताकि इन गरीबों की जो कुटिया है अच्छे से बन जाए। और बहुत परेशान है ये गरीब बेचारे सब। लाइट नहीं मिल रही आपको? बताओ
बताइए आप लोगों की जो समस्या हो बताइए। हम सब समस्या ही लगे नबी पति तेल मिला न कपनी लाइट लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं है अभी तक। ये नारी बारी चौकी के जस्ट बगल में यहाँ के निवासी हैं, लाइट की व्यवस्था यहाँ पे अभी तक नहीं की गई। कौन मांग रहा है 20,000 रुपए? जय साहब मांग रहे हैं। अच्छा जय साहब मांग रहे हैं आपसे 10,000 रुपए मांग रहे हैं। यहाँ गरीबों से पैसे की मांग भी की जा रही है, लाइट की व्यवस्था के लिए पैसे की मांग की जा रही है, लाइट की व्यवस्था के लिए यहाँ पे गरीबों से पैसे की मांग की जा रही है। लाइट काट दी गई है। अच्छा और क्या समस्या है आप लोगों को? इनको बहुत सारी गरीब आदमी। क्या नाम है आपका? रघुनंदन। कहाँ के निवासी हैं आप? नारी बारी। क्या हुआ ये? हुआ क्या, हमारा घर गिर गया। अच्छा क्या कर सकते, 5 भाई हैं। हाँ। इतने में एक छत में गुजारा हो जाए तो बता दीजिए। कॉलोनी नहीं मिली थी आपको? नहीं मिली अभी तक। अभी तक आपको कॉलोनी नहीं मिली? यही भाई है। ये आपका बरसात में घर गिरा ही वाला? अभी देख लीजिए। अच्छा ये मैं नारी बारी में हूँ, नारी बारी के जस्ट बगल पुलिस चौकी के जस्ट बगल में। ये यहाँ पे इनका मकान गिर गया है। पूरा नाम आपका क्या है? रघुनंदन। हरजन? हाँ हरजन। पिताजी का नाम? बाबा दीन। मम्मी के नाम भी बता दे। नहीं मम्मी का नाम नहीं, ये तो ही मतलब कल रात में ये गिरा है ना। और ये हम बस्ती में खड़े हैं और यहाँ पे लोगों की इतनी समस्याएं हैं, अभी कॉलोनी भी इनको नहीं मिली है कोई। थोड़ा अंदर अंदर भी इनके देख लेते हैं। रुक जा भैया, चाचा रुक जाता नहीं, दुकानदार। ये छत भी इनकी पूरा पूरी तरह से जर्जर है। ये देख लीजिए पानी है और अभी तो यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। ये परेशान है, बेचारे गरीब लोग हैं, ये सब परेशान हैं और इनकी कोई सुनने के लिए कोई अधिकारी भी नहीं तैयार है। ना तो इनको कॉलोनी आज तक दी गई और यहाँ पे हर लोगों को कॉलोनी भी मिल रही है, लेकिन इन लोगों को गरीब परिवार को आज तक कोई कॉलोनी नहीं दी गई। और ये बरसात के मौसम में देख लीजिए इनका बुरा हाल है। इधर से भी देख लीजिए और ये देखिए यहाँ पे ये रह रहे हैं, ये कब गिर जाए, यहीं पे खाना होना भी बनता है, कब गिर जाए कोई भी उसका भरोसा भी नहीं है। सब गिरा हुआ ही है और ज़्यादा बारिश अगर हो जाएगी तो ये सब गिर ही जाएगा जहाँ तक है कि। और इनकी कोई अभी तक सुनवाई भी नहीं हुई है, देख लीजिए। और ये नारी बारी चौकी, नारी बारी चौराहा के जस्ट बगल में ही है, चौकी के जस्ट बगल में ही है ये, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बतावा देखिए, सब अपना लगा रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं बरसात से बचने के लिए, घर न ढहे बचाने के लिए सब अपना सब लगा रहे हैं, पन्नी लगा रहे हैं सब। आपको कॉलोनी नहीं मिली अभी? अरे मिली तो है, तो का करी, अब घर पानी का मारा कम कम भी नहीं बा, का करी, कस के बनवाई। सब परेशान है, देखिए सब पन्नी लगा रहे हैं, सब कुछ नहीं है, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। चाची लगती हैं। अच्छा कुछ नहीं देख, आज तक यहाँ पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। पुराने वाली 9,000 वाली ये कॉलोनी है, बाकी सब वही है, गिरा पिया है। भीतरे सर जी बहुत छूटा है, वो पक्का नाम के है, काम वही है, बहुत पानी भरा है, बहुत के पास कुछ नहीं है सर।